हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस। तो क्वेश्चन वन जबरदस्त तरीके से मैं फिनिश कर चुका था। आशा करता हूँ आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो क्वेश्चन टू तो है ही ना, इसलिए तो मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लाता हूँ ना। तो डरने घबराने की कोई बात नहीं, और मैं बोला ना थोड़ा सा टाइम दिया करो समझने के लिए, थोड़ा सा टाइम दिया करो। चलो क्वेश्चन क्या है आप लोग पढ़ो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है पढ़ो आप लोग पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूंगा। चलो पढ़ देता हूँ। आलेखीय विधि द्वारा निम्न का रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। ओके, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत ये हम लोग को दिया हुआ है, और हम लोग को क्या है न्यूनतम मान ज्ञात करना है। क्या है मतलब क्या ही है, हम लोग के लिए कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है ये। हाँ, क्योंकि हम लोग ना पिछले क्वेश्चन में हम लोग ये तो डील करके आए, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है ना सर, ये जो है एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10। ओके, यहाँ पे क्या है 3x प्लस 4y लेस देन इज इक्वल टू 24। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, एक के नीचे एक करना है ना, अगल बगल मत करना। और यहाँ पे है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ये हमेशा बोलेगा। और ये हम लोग को चीख चीख के बोल रहा है कि ये पहले चतुर्थांश में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट चतुर्थांश में है, ठीक है, पहले चतुर्थांश में। तो यहाँ पे जैसे ये आता है, तो मैं आप लोगों को कई बार बोला हूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू कर लीजिएगा। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यहाँ पे भी कर लीजिएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। अब x की वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू 0 डालो, खत्म करते हैं किस्सा को। तो x इज इक्वल टू 0 अगर मैं किया तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 किया, देखता हूँ आप लोगों का कैचिंग पावर मैं चेक कर रहा हूं। अगर x की वैल्यू 0 किया तो ये हो जाएगा 2y, क्योंकि 0 प्लस 2y तो 2y हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 10। अब 2 को इधर कर दिया मैं, 2y इज इक्वल टू 10 है, 2 इधर आ गया, तो y इज इक्वल टू 10/2 होगा, y इज इक्वल टू 10/2 होगा। तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिली, y की वैल्यू 5 मिली। तो यहां पे जो मेरे को निर्देशांक मिलने वाले हैं वो 0.5। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताओ आप लोग। तो अगर y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हो क्या, y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट किया, ये लो y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट किया, हाँ किया, ये y की वैल्यू मैं 0 पुट किया, तो y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा यार, तो x प्लस 0 x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आया, x इज इक्वल टू 10 आया। अब इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो भी बच्चे ना ऐसे 0.10 लिखेंगे ना हड़बड़ी में, वो गलत है, और वो गलत करके आएंगे, क्योंकि 0 ना y की वैल्यू, y कॉमन x नहीं होता, x कॉमन y होता है। तो x पहले लिखो, x क्या है, x है 10, y है 0, क्लियर है क्या, 0.5 क्लियर है क्या, बोलो। x इज इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू 5 आ गई, जबरदस्त तरीके से। y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 10 आ गई। इसमें भी यही करेंगे हम लोग। तो x की वैल्यू ना 0 रखा, x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दिया तो ये तो 0 हो गया, मतलब 4y इज इक्वल टू 24। 4 को उधर किया, 4×5=20, 4×6=24, 4×6=24। तो मेरे को यहाँ से जो निर्देशांक मिलेंगे वो 0.6। कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी समझो। और यहाँ पे y इज इक्वल टू मैं 0 पुट कर देता हूँ, y इज इक्वल टू मैं 0 पुट कर दिया, सर y इज इक्वल टू 0 पुट करे तो ये तो खत्म। तो 3x इज इक्वल टू 24, तो 3 उधर गया, 3×7=21, 3×8=24, तो x की वैल्यू 3×8=24। तो यहाँ पे जो बनेगा x कॉमा y होता है यार 8.0। बोलो समझ में आया क्या, समझ में आया पूरा चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर, ये मेरे को बता रहे पहले चतुर्थांश में, तो सब हो गया। अब ग्राफ बनाएंगे। चलो यहाँ पे 0.5 और 10.0 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपने लिए, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0.5 और 10.0 ये किसके लिए है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यही है क्या, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। फिर क्या, 0.6, 8.0, 0.6, 8.0, 8.0, ये किसके लिए, ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, है ना। पहले चतुर्थांश में दे दिया है, x इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ये इसका मतलब होता है कि पहले चतुर्थांश में ये। अब मैं इससे क्या बनाऊंगा, प्यार से देखना, ग्राफ बनाऊंगा, जबरदस्त तरीके से ग्राफ बनाऊंगा, मतलब दिल खुश हो जाएगा, ऐसा ग्राफ बनाऊंगा। ये हो गया y, ये हो गया x, है ना, यहाँ पे हम लोग बना दिए ऐसा, ये ऐसा, ये y, ये x। चलो क्या है पॉइंट, 0.5, ठीक है,
एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू फाइव, एक्स की वैल्यू जीरो वाई एक्सिस में होती है, एक्स की वैल्यू जीरो वाई एक्सिस में होती है, तो ये जीरो कॉमा फाइव ले लिया मैं इसको, जीरो कॉमा फाइव। आप लोग बकायदा एक एक लाइन खींचेंगे स्केल से, ये जीरो कॉमा फाइव, टेन कॉमा जीरो, ये y की वैल्यू जीरो x एक्सिस में होती है, तो टेन कॉमा जीरो, देखो ये टेन कॉमा जीरो, ये टेन कॉमा जीरो, तो इसको मैं ना प्यार से, इसको मैं प्यार से ऐसे करके मिलाने वाला हूँ, मालूम ये इसको ना ऐसे करके मैं मिलाने वाला हूँ, ध्यान से बस देखते रहना। ये यहाँ पे देखो मेजरमेंट ठीक नहीं होता ना तो आप लोगों से भी बन नहीं पाएगा, लेकिन आप लोग के पास तो स्केल है यार, आप लोग के पास तो स्केल है ना, आप लोग के पास स्केल है तो ना थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, ये प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, तो इसका जो पॉइंट है मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, है ना। आप लोग स्केल से, स्केल से प्रॉपर नापिएगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा ये, तो स्केल से आप लोग को प्रॉपर नापते हुए चलना है, ये देख रहे हो कितना प्रॉब्लम होता है, है ना। स्केल, स्केल से अगर मैं बनाऊं तो इससे बेहतरीन डायग्राम फिर कोई नहीं बनता, ये ठीक है, तो प्रॉपर केयर करना आप लोग। तो ये क्या है 0.5, ये हो गया सर 0.5, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 0 तो y एक्सिस में होती है, 10.0, 10.0, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। अब ये क्या है 0.6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y एक्सिस में होती है, तो 0.6 यहाँ कहीं पे है। ये 8.0, y की वैल्यू 0, x एक्सिस में होती है, ये x वाला पहला होता है, तो 8.0, ये 8.0 यहाँ कहीं पे होगा, ये 8.0, ठीक है 8.0, तो यहाँ पे ये, ओके ये बना, ये बना। बोर्ड में पढ़ाना ना इतना आसान नहीं है, मालूम है, टीचर बनना एक एक आर्ट है। ये कौन सा, ये कौन से वैल्यू है 0.6, ओके सर 0.6 और ये 8.0, ये 8.0 ये आया, क्लियर है, एक बार मिला लो 0.5 10.0, 0.5 10.0, इसके लिए मिला लो 0.6 और 8.0 8.0, ये किसके लिए बनाए हूँ आप लोग, ये पहला वाला, ये वाला जो है 0.5 0.5 वाला, ये है x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10, ये वाला कहाँ है 8.0 वाला, ये है, ये है सर 3x प्लस 4y, 4y इज इक्वल टू 24, ये। अब हम लोग को छायांकित देखना पड़ेगा, इस तरफ आएगा कि इस तरफ आएगा, ये हम लोग को देखना पड़ेगा, ये हम लोग को देखना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, जांच करेंगे, जांच करो आप, कहाँ पर लो, ध्यान से देखो, इस लाइन में जो बिंदु है ना उसको बस मत लो, बाकी किसी को भी ले सकते हो आप, यहाँ पे वाला ले सकते हो आप, यहाँ पे वाला कुछ भी ले सकते हो आप, आपकी जो मर्जी, यहाँ पे लो ना, अगर यहाँ पे अगर नहीं है तो यहाँ पे 0.0 रहता है, अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो इस तरफ बनेगा, अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उस तरफ बनेगा, तो जाँच कर लेते हैं, और जाँच में मैं बोला इक्वल टू मत लगाना, तो ये है एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन 10, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या 0 बड़ा है 10 से, 0 बड़ा है 10 से, नहीं 0 बड़ा है 10 से, क्या मैं किसके लिए चेक किया, इसके लिए, मतलब ये वाला जो है ना इस तरफ बनेगा, अगर 0 ये सेटिस्फाई हो, ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, सेटिस्फाई नहीं हुआ इसलिए इस तरफ बना, अगर सेटिस्फाई होता, अगर सेटिस्फाई होता तो ये इसका ग्राफ इस तरफ बनता, ये 0 को चिरते हुए जाता, 0 को फिर चिरते हुए जाता, लेकिन ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इसके इस तरफ बनेगा, मतलब 0.0 को टच नहीं करेगा। अब ये पहले वाले के लिए हो गया, अब दूसरे वाले के लिए देखो, दूसरा वाला क्या है 3x प्लस 4y लेस देन है कि ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन है, ओके लेस देन 24, ये तो पूरा 0 हो गया, क्या 24 बड़ा है, ये तो सेटिस्फाई हो गया, ये वाला केस सेटिस्फाई हो गया, मतलब इसका जो ग्राफ है, किसका ग्राफ, इसका ग्राफ, ये इसका ग्राफ इस तरफ बनेगा, सेटिस्फाई हो गया, ये सही है, हाँ 0 छोटा है 24 से, मतलब ये वाला जो ग्राफ है ना वो 0 को ऐसे टच करते जाएगा, 0 को ऐसे टच करते जाएगा 0.0 को, इस लाइन के लिए सेटिस्फाई नहीं हुआ 0.0, तो ये 0.0 को टच नहीं करेगा, ये इधर जाएगा, क्लियर है। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है बताओ, हम लोगों को क्या करना है,
कॉमन शेडेड रीजन हम लोग को देखना है, कॉमन शेडेड रीजन। तो ध्यान से देखो, ये वाले लाइन को देखो, ये किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, और ये वाला लाइन है जो इस तरफ आ रहा है। अब पहले चतुर्थांश में ही रहना है, तो ये वाला बस ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाला मेरा कॉमन क्षेत्रफल दिख रहा है, ये वाला ध्यान से देखो। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे, तो आप लोग पेंसिल में इसको पूरा ड्रॉ कर लो, ऐसे ऐसे करके पूरा ऐसे ऐसे कर लो। और इस ये वाला जो है उसको ऐसे, ये वाला है उसको ऐसे। तो देखना यही वाला जो क्षेत्र है ना, इसमें आप लोग का दोनों का ग्राफ वहीं पे टकराएगा। अब मैं बोला था, अब मेरा ग्राफ क्या हुआ सर, यहाँ पे ना आप लोग का ये वाला ग्राफ हुआ ऐसा त्रिभुज टाइप का। तो ये एक पॉइंट हो गया, इसको मैं पॉइंट ए दे दिया, इसको पॉइंट बी दे दिया, पॉइंट सी। सबके निर्देशांक मालूम होने चाहिए क्या, सबके निर्देशांक मालूम है क्या? ए के निर्देशांक क्या है, बिंदु ए के निर्देशांक है 0.6। बिंदु बी के निर्देशांक क्या है, बिंदु बी के निर्देशांक है, नहीं मालूम। बिंदु बी के निर्देशांक मालूम है ना, ये 0.5, इसमें ढक गया 0.5। बिंदु सी का निर्देशांक नहीं मालूम, सी का निर्देशांक नहीं मालूम, तो क्या करना है, इस दोनों इक्वेशन को लिखो आप लोग। ये एक्स प्लस 2y = 0 समीकरण एक, यहाँ पे है 3x प्लस 4y = 24 इक्वेशन टू। अब यहाँ से तो कोई कैंसल नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, देखो समीकरण एक में अगर मैं दो का गुणा कर दूँ, समीकरण एक में मैं दो का गुणा कर रहा हूँ, आप लोग लिखोगे समीकरण एक में दो का गुणा करने पर, आप लोग लिखोगे सब में करो दो का गुणा। यहाँ पे 10 है क्या, यहाँ पर 10 है, ठीक। समीकरण एक में दो का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y = 20, और समीकरण दो को एज इट इज उतार दो, 3x प्लस 4y = 24। अब इन दोनों को मैं घटा दिया तो साइन चेंज हो जाएगा, तो आप लोग लिखेंगे समीकरण एक में दो का गुणा करने पर, तो ये हम लोग को प्राप्त हुआ। फिर समीकरण दो को ऐसे उतारना, और आप लोग लिखेंगे समीकरण एक तथा इसको समीकरण तीन दे दो, समीकरण एक तथा समीकरण तीन को घटाने पर, तो ये घटाओगे तो देखो प्लस 4 से माइनस 4 कैंसल, ये 2x माइनस 3x है, 2x माइनस 3x माइनस x होगा। यहाँ पे 20 माइनस 24 है, माइनस 4 होगा, माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू आई 4, तो x की वैल्यू लिख दो ना यार, 4, x की वैल्यू को किसी में भी पुट कर दो। मैं x की वैल्यू को समीकरण एक में अगर पुट किया तो समीकरण एक क्या बोलता है, x प्लस 2y = 10। आप लोग बोल ऐसे करके लिखेंगे कि x की वैल्यू को समीकरण एक में पुट किया तो क्या मिल जाएगा, ये x की वैल्यू 4 प्लस 2y, y की वैल्यू है देखो मिल गई, ये 4 उधर गया तो 2y, ये 4 उधर गया तो क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3, y की वैल्यू आ गई 3, ये C बिंदु भी मेरे को मिल गया, C है 4.3। यहाँ पे पहले आराम से पानी वानी पी किया, और यहाँ पे कोई तकलीफ है क्या, आप लोगों को प्यार से पानी वानी पी के आ जाओ, और इसको ध्यान से देखो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, बोलो 0.5, 0.6, 4.3, बोलो ये बिंदु मिल गया। अब आप लोगों को क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, ध्यान से देखना, बस एक बॉक्स बनाना और गेम पानी खत्म। पर मैं कहाँ बनाऊँ, मेरे पास तो जगह नहीं है, तो आप लोग के पास जगह होगा तो प्यार से ऐसे करके बॉक्स बनाएंगे आप लोग, ये ऐसे करके एक बॉक्स बनाएं, ठीक है। बॉक्स बना के मैं क्या क्या लिखाया था, पहले में हम लोग लिखते हैं बिंदु, पूरा लिखो प्रॉपर बिंदु, फिर यहाँ पे निर्देशांक। तो बिंदु क्या आया, मैं लिखते रहूँ, मेरे पास तीन बिंदु है ए बी सी, ठीक है, वहाँ पे 4 बिंदु था क्वेश्चन वन में, यहाँ पे है ए बी सी बिंदु, ये हो गया। उसके निर्देशांक लिखेंगे आप 0.6, 0.5, 0.5, और उसके बाद है 4.3। हम लोगों को क्या दिया है, z = 200x, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे z = 200x, मेरे पास जगह नहीं है, 500y + 500y, ठीक है, ये z की वैल्यू आएगी यहाँ पे, z की वैल्यू। चलो
तो यहाँ पे जीरो रख दो, x की वैल्यू जीरो रख दिया तो 200 गुणा जीरो जीरो हो गया, प्लस 500 गुणा ये 6 हो गया, y की वैल्यू 6 रख रहा हूँ तो 6 × 5 = 30, मतलब ये 3000 आ गया, 3000 आ गया। x की वैल्यू जीरो रख दो, x की वैल्यू जीरो मतलब ये खत्म, y की वैल्यू 5 लिखो तो 5 × 25, तो ये आ गया 2500। अब x की वैल्यू 4 रखो, x की वैल्यू अगर 4 रखा तो ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 800, ये नहीं करना है आप लोग को, ये नहीं करना है, ठीक है, ये हो जाएगा 800। और y की वैल्यू 3 रखूंगा तो ये हो जाएगा 1500, 800 प्लस 1500 कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 8, ये हो जाएगा 2300, ये हो जाएगा 2300। तो हम लोग क्या पूछे, न्यूनतम वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू हो गई 2300, न्यूनतम वैल्यू हो गई 2300, बताओ न्यूनतम वैल्यू हो गई 2300, 2500, 2300, 3000, 2500, 2300, ये 3000, ठीक। तो न्यूनतम वैल्यू क्या हो गई 2300, तो आप लोग लिखेंगे जेड इज इक्वल टू इतना का न्यूनतम मान 2300 होगा, और अधिकतम पूछ देता तो अधिकतम मान 3000, और न्यूनतम और अधिकतम दोनों पूछ देता तो दोनों लिख देते न्यूनतम 2300, अधिकतम 3000, तो ये बनाया मैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, बधाई हो, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 ये आप लोग का है HOMEWORWORK, देखो क्या स्टाइल से लिखा, ये आप लोग का होमवर्क, स्माइली फेस के साथ करिएगा आप लोग, ये आप लोग को करना है। यहाँ पे बोला अधिकतम मान, आप लोग कमेंट करके बताएंगे अधिकतम मान, जो भी कमेंट करके बताएगा उसका 100% आएगा, ठीक है। तो ये मैं बच्चों बताया, और ये अध्याय को मैं ख़त्म करता हूँ, ये अध्याय को ख़त्म करता हूँ, एक अध्याय बच गया प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में सिर्फ बेसिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मस्त तरीके से बना, ठीक है बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।